जैन शाला के अंतर्गत श्री आनंदघन चौबीसी के आज के पंचम स्वाध्याय के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नील और हमारे साथ डॉक्टर रमजान। हमने पिछली कक्षा के अंदर चौथे तीर्थंकर श्री अभिनंदन जिनके स्तवन के ऊपर विवेचन देखा था, स्वाध्याय किया था। आज हम पांचवे तीर्थंकर श्री सुमतीनाथ भगवान के ऊपर जो स्तवन है उसके बारे में विवेचन और स्वाध्याय करने वाले हैं। सो मैं स्वागत करता हूं जैन शाला के इस मंच के ऊपर डॉक्टर रमजान भाई हसनिया का। रमजान भाई प्रणाम। सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा नाम दिया गया है, जैन शाला। हम यहाँ छात्र के तौर पर सब बैठकर कुछ अध्ययन कर रहे हैं, कुछ स्वाध्याय कर रहे हैं। तो किसी भी कवि को समझना, कवि की वाणी को समझना, कवि के दर्शन को समझना, यह मूल में ही थोड़ा कठिन काम है। और यहाँ पे वह कठिन काम ज्यादा इसलिए है क्योंकि यह जो कवि हैं, वे तो अध्यात्म प्रदेश के एक बड़े यात्री रह चुके, जिन्होंने अध्यात्म के क्षेत्र में आगे तक की यात्रा की है, आगे तक के पड़ावों को हासिल किया है। आगे जाके अब हम अमर भए न मरेंगे, तब तक की यात्रा जिस साधक कवि ने की है, उस साधक कवि की स्थिति तक पहुंचना हमारे जैसे सामान्य व्यक्तियों के लिए बड़ा दुष्कर कार्य होता है, क्योंकि हम शायद समझ भी पाए तो उसे बुद्धि के स्तर पर समझ सकते हैं, अपनी मति के अनुसार समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी अर्थघटन हम कर रहे हैं वो यथा बुद्धि, यथा समझ, यथा अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। लेकिन एक अनुकूलता यह हुई, कुदरत ने अनुकूलता कर दी कि इससे पूर्व पार्श्वचंद्र गच्छीय और मेरे गुरु महाराज परम पूज्य महोपाध्याय श्री भुवन चंद्र जी महाराज साहब ने इसी स्तवनों पे, इसी चौबीसी पे वाचना दी और उसी के आधार पर मुझे यहाँ बात करने की अनुकूलता हुई, क्योंकि गुरु महाराज स्वयं साधक जीव हैं और कवि के उपासक भी हैं, जैन परंपरा से तो हैं ही, अपितु साधना के क्षेत्र में आगे बढ़े हुए एक साधक हैं। तो आनंदगंज जी महाराज की अंतर स्थिति को वे बराबर से समझ सकते हैं और उनकी बदौलत मैं उनकी बात यहाँ पे रख रहा हूँ। तो ऐसे गुरु भगवंत को प्रणाम कर आप सभी जो सहभागी हमारे साथ इस स्वाध्याय में जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरा सादर नमन कर आनंद गंजी महाराज के चरणों में वंदन कर पांचवें स्तवन की बात करने की अनुमति चाहता हूं। पांचवा स्तवन श्री सुमतिनाथ जिन स्तवन। भगवान के नामों पर भी अगर आप थोड़ा विचार करेंगे तो अभिनंदन स्वामी इससे पहले आया, इससे पहले अजितनाथ भी आया, सुमतिनाथ आज है, ऋषभ की बात हमने की, लेकिन इनके नाम पर गौर करेंगे तो भी आपको पता चलेगा आज सुमतिनाथ के नाम के साथ मति की बात कैसे कवि ने जोड़ दी है और किस तरह से इस स्तवन में कवि एक बहुत बड़ी बात हमें समझा सिखा कर जैसे आज हमारे सामने प्रस्तुत हो गए हैं, समझाने के लिए, सिखाने के लिए। ऐसा लगता है जब भी हम किसी कवि की कविता के पास या किसी सर्जक की कृति के पास बैठते हैं समझने के लिए, उसे टटोलने के लिए, उसे जांचने के लिए, तब अगर हम भाव पूर्वक उसके पास जाते हैं तो मानो हम सर्जक के पास जाते हैं। आनंदगंज जी महाराज का क्षर देह तो विलीन हो गया पंच महाभूत में, लेकिन उनका अक्षर देह आज भी हमारे पास है। तो इन अक्षरों के पास जब ये अक्षर उनकी वाणी में से प्रकट हुए होंगे उस समय की कल्पना कर मैं रोमांचित हो जाता हूं। तो सुमतिनाथ के इस स्तवन में प्रवेश करते पूर्व उन भावुक क्षणों को भी मैं वंदन करना चाहता हूं। पांचवे भगवान
सुमतिनाथ भगवान। हम जानते हैं कि आनंद घन जी महाराज केवल अरिहंत परमात्मा के नाम लेकर फिर बात आगे तो मार्ग की करते हैं, अध्यात्म मार्ग की ही बातें अब तक हमें आई है। आगे कुछ और भी आ सकता है, पता नहीं है, भक्ति की बात भी आ सकती है और भी भगवान के गुणों की बात भी आ सकती है, लेकिन अभी तक जो आया है वो अध्यात्म का मार्ग है। तो अध्यात्म के मार्ग में आरंभ में एक भूमिका साधक के लिए आती है और वो है समर्पितता, समर्पण भाव जिसे हम कहते हैं। जात ने पोताना आराध्य ने सौंपी देवी, अपने आप को अपने आराध्य देव को समर्पित कर देना, अर्पित कर देना, माने समर्पित थवा माटे सौथी पहला अपने अहम शून्य थवू पड़े। कैसे हो सकता है समर्पण? हमें अपने आप का बहुत बड़ा गुरूर होता है, हम माने ना माने, स्वीकार करें ना करें, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता है, इसलिए उसकी मात्रा भेद हो सकती है। लेकिन अपने आप पर जब हम अपने आप को शून्य समझकर अपने गुरु के पास या इस परम गुरु के पास अपने आप को सौंप देते हैं तो उसे समर्पण कहा जाता है। गुजराती में कहें तो जात सौंपी देवी, अपने पोतानी जात ने सौंपी दी है भगवान ना हाथ। बहुत प्रचलित एक भजन है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों। हिंदू एवं अन्य सभी परंपराओं में इस समर्पण भाव की बातें बहुत आती हैं। जैन परंपरा में भी कई स्तवन हमें मिलते हैं, लेकिन गुजरात में हमें ऐसे भजन मिलते हैं, धर्म कर्म ना जोड़ी बढ़ दिया, अने हरी मारू गाडू तू ले जाए, गाडू तारे हाथ, जहां ले जाऊ हो त्यां ले जाओ। तो भगवान को समर्पित कर देना है, अपनी आप को सौंप देना है। तो सौंप देने से पहले एक सोचने जैसी बात यह है कि किसी ऐरे गहरे को तो हम सौंप नहीं देंगे, किसे सौंपेंगे? उसे पहले बराबर से जांच लेंगे, समझ लेंगे। अरे गुजराती माँ कहिए तो तोली जोखी मापी लेशु, भाई में तो लीधो शामड़ियो मोल, लीधो तराजू तोल, ऐसे हम मीराबाई कहते हैं। ऐसे ही मैं श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़ी हूं, मैंने बाई में तो लीधो शामलियो मोल तराजू तोल। आनंद घन जी महाराज यहाँ क्या कहते हैं, सुमतिनाथ ने इतले के वितरात प्रभु ने आत्मार्पित, ये शब्द अभी भी प्रचलन में है, आत्मार्पित होने की बात करते हैं। तब सुमतिनाथ तो नाम है, लेकिन किन को आत्मार्पित होने की बात करते हैं? तो वितराग प्रभु को आत्मार्पित होने की बात करते हैं। और आरंभ में क्या कहते हैं, दर्पण भगवान कैसे, किनको हमें अर्पण करना है, क्या अर्पण करना है? तो दर्पण जिम अविकार, भगवान कैसे हैं, किस भगवान को हमें अर्पण करना है अपने आप को। सुमति चरण कज आत्म अर्पणा, सुमतिनाथ के चरण कमल में आत्मा को अर्पित कर देना है। तो सुमतिनाथ कैसे हैं? आनंद घन जी महाराज की एक ये विशेषता भी आप धीरे धीरे खुद भी खुद समझने लगे होंगे कि हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं, इसी इस प्रकार से कर रहे हैं कि हम अपने आप इन स्तवनों का अर्थ गठन करने की कोशिश कर सकें। तो अब आपको समझ में आया होगा कि आत्म अर्पण करना है, लेकिन किन को करना है और जिनको करना है वो कैसे हैं, उनकी बात तुरंत आनंद घन जी महाराज कर देते हैं। जिनको आत्म अर्पण करना है वो कैसे हैं, दर्पण जिम अविकार, सुमति चरण कज आत्म अर्पणा, सुमति चरण कज आत्म अर्पणा, दर्पण जिम अविकार सुज्ञानी, मति तर्पण बहु सम्मत जानिए, परिसर्पण सुविचार सुज्ञानी, सुमति चरण कज आत्म अर्पण। हे ज्ञानी पुरुष, अगर तुम अपने आप को ज्ञानी
कहना चाहते हो या समझते हो, यानी माने यहाँ परम ज्ञानी की बात नहीं, थोड़ा बहुत भी अगर आपको कुछ समझ में आया है तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ, आपको अपने आप को सरेंडर कर देना है। किन को सरेंडर करना है? तो कि सुमतिनाथ, मतलब सुमति नाम नाथ नाम के भगवान को नहीं, वितराग प्रभु को। तो वितराग प्रभु जवाब मड़ो केवा छे, वितराग प्रभु कैसे हैं? वितराग प्रभु यहां उपमा दी है वितराग प्रभु को, दर्पण जिम अविकार। कैसे हैं वितराग परमात्मा? तो वो दर्पण जैसे हैं। दर्पण गुजराती में जिन्हें अपने अरिशो कहिए, दर्पण की क्या विशेषता है और प्रभु को दर्पण की उपमा क्यों दी, ये भी सोचने जैसी बात है। तो दर्पण अविकारी छे एवू कयू, जैसे दर्पण अविकारी है वैसे भगवान अविकारी है, ऐसा कहने का मतलब है। लेकिन दर्पण अविकारी कैसे है? तो दर्पण के सामने जो भी जैसा भी आता है उसको वैसा वो प्रस्तुत कर देता है और उसके आगे घटने वाली घटनाओं से वो वो घटनाएं उसे छूती नहीं है। गुजराती में कहिए तो एमा ए लीपातू नथी, एमा ए ए ए अटवाई जतू नथी। तो वस्तु या व्यक्ति जो भी उसके सामने आता है उसका प्रतिबिंब पेश करना, सामने रख देना, यह दर्पण का काम। तो ए नथी लिपाई जतू, दर्पण सिर्फ रहता है, करता कुछ नहीं, करता कुछ नहीं। हम जैसे हैं वैसा हमें रिप्रेजेंट करता है कि यू आर लाइक दिस, मेरे बाल ऐसे लग रहे हैं तो ऐसे हैं, मैंने ये पहना है, अभी ये स्क्रीन भी मुझे अपना दर्पण दिखा रही है कि रमजान तुम ऐसे लग रहे हो, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। तो दर्पण का काम ये है कि हमारे मूल स्वरूप को हम जैसे हैं वैसे ही हमें दिखाना, वो करता कुछ नहीं है। जैन परंपरा के जो वितराग परमात्मा है वो भी वैसे न तो राग करते हैं न तो द्वेष करते हैं, विराग द्वेष से पर हो चुके हैं, न तो कृपा करते हैं ना तो वो कुछ हानि पहुंचाते हैं, तो कुछ नहीं करते हैं। जैसा जैसे है वैसे हमें अपने आप के सामने खुले करते हैं। तो दर्पण छे ए आपने क्यारे ब्रह्मा नाखतो नथी, भगवान भी हमें कभी भ्रमित नहीं करते हैं, दर्पण का यह स्वभाव है। अगर मेरे गाल पे कुछ काला लग चुका है तो दर्पण मुझे भ्रम में नहीं रखेगा कि अरे नहीं नहीं तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो, वो मुझे बताएगा कि यहाँ पे कुछ काला लग गया है, उसे तुम्हें साफ करना। तो हम जैसे भी हैं जैसे भी हैं, तो भगवान और दर्पण में यह साम्य दिखाया गया कि भगवान और दर्पण दोनों एक समान है, एक अविकारी है, किसी में लिप्त नहीं होते। तो भगवान नु स्वरूप नु वर्णन करता बीजा एक स्तवन मां पण एक बहुत मजानी पंक्ति मड़े छे, एक बहुत बड़ा, आप भी यह स्तवन जानते होंगे, निरखी निरखी तुझ, सुपार्श्वनाथ भगवान का स्तवन है, निरखी निरखी तुझ बिन बने रे हर्षित हुए मुझ मन, सुपाश सुहामणो रे। सुपाश इतने सुहामणे, सुहामणो एटले एकदम देखावड़ो, इतने खूबसूरत लग रहे हैं, इतने हसीन लग रहे हैं सुपार्श्वनाथ, लेकिन इनकी खूबसूरती का राज क्या है? अणियाड़ी ते गोरी तारी आंखड़ी एवू नथी। तो उनकी खूबसूरती का राज क्या है वो आगे की पंक्तियों में आता है। निर्विकारता नयन माने मुखड़ू सदा प्रसन्न सुपास सोहामणो रे। आंखों की शोभा क्या है? वितराग परमात्मा की आंखों की शोभा हम उनकी आंखों पे बड़े बड़े रत्न लगाएं यह नहीं है, उनके आंखों की शोभा है निर्विकारता। आंखों में एक भी विकार ना हो तब हम इस वितराग की आंखों की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। हमें भी वही करना है, लेकिन अभी वितराग की आंखों का श्रृंगार क्या है? तो अविकारता। तो यहां भी
उस बात को जरा अलग किस्म से बताया गया है, इस स्तवन में कुछ अलग किस्म से बात है, लेकिन निर्विकार है, अविकारी है। हाँ, भक्त के सामने एक आदर्श खड़ा हुआ है कि मुझे ऐसा बनना है। कैसा बनना है? जैसे भगवान अविकारी हैं, जैसे भगवान ने इस सब गुणों को हासिल कर लिया है, मुझे भी करना है, तो मैं इसलिए मेरी जो जात है, मेरा अपना स्वरूप है, वो मैं आपको सौंप रहा हूं। तो जात सौंपती वक्ते जेवा छीन तेवा प्रगट थवूं जरूरी छे। हम डॉक्टर के पास जाएंगे और उनको सही माने में हम कैसे हैं वो बताएंगे नहीं, तो वो कैसे इलाज करेंगे? हमें जहां दर्द हो रहा है वो अगर ऐसी जगह पे है कि हम दिखा नहीं सकते, फिर भी हम डॉक्टर को तो दिखाएंगे, क्योंकि हमें उसका इलाज करवाना। तो दोस्तों, हम भगवान के पास जाते हैं और वहां पे भी अपना दंभ लेके जाएं, हम ऐसे हैं वैसे हैं वो बताने के लिए जाएं, तो हम कहां ओपननेस आएगी कहां? दोस्तों, रिश्तेदारों, समाज के सामने तो शायद आप दंभ कर लो, भगवान के पास जाते हो तभी तो आप जैसे हो वैसे प्रकट हो। अपने कोनी सामे नाटक करिए, मने तो ए थाय એટલે આપણા કોઈ એ સરસ કહ્યું કે ભગવાન જો તો ખરો તારા બનાવેલા તને બનાવે છે, વો બાત અલગ જગહ પે કહી ગઈ હે, અલગ સંદર્ભ સે કહી ગઈ હે, લેકિન હમ ક્યા કરતે હૈ? તો જાત સોંપતે સમય, અપને આપ કો સોંપતે સમય, હમ જૈસે હૈ વૈસે પ્રગટ હોના હૈ, તો ભગવાન નું સ્વરૂપ ઓળખી એમના જેવા થવું છે, પણ આ કઈ જાદુ થશે, ચમત્કાર થશે, અને એવી રીતે આપણે થઈશું? દો કક્ષાએં આતી હૈ, એક ભક્ત કી હૈ ઓર દૂસરી સાધક કી। યે થોડી ગંભીર બાતેં મુજે યહાં આજ રખની હૈ, ક્યોંકિ યહાં પે એસા એક ગંભીર વિષય આનંદગંજ જી મહારાજ ને છેડ દિયા હૈ। ભક્ત હમે બહોત અચ્છા લગતા હૈ, શબ્દ બહોત અચ્છા હી હૈ, બહોત હમસે તો બહોત આગે કી કક્ષા હૈ। ઓર દૂસરા શબ્દ બતાયા સાધક। ભક્ત ભક્તિ કરે છે, અને ભક્તિના કેન્દ્રમાં કૃપા છે। ભક્ત જો હૈ વો ભક્તિ કરતા હૈ ઓર ઉસકે કેન્દ્ર મે કૃપા હૈ કે મુજ પે કિસી મેરે આરાધ્ય કી કૃપા હોગી। લેકિન સાધક જો હૈ વો સાધના કરતા હૈ ઓર સાધના કે કેન્દ્ર મે કૃપા નહીં, કર્મ, પુરુષાર્થ, મહેનત। ઘણા ભક્તોની આપણને એવી વાતો મળે છે કે જે ભગવાનને સમર્પિત થઈ ગયા હોય, जैसे कि मेरी बातों में बारी बारी से जिनका नाम आता है, नरसिंह मेहता, उनकी बहुत सारी बातें ऐसी मिलती है। नरसिंह मेहता को जो भी स्थिति आई, उस स्थिति में उन्होंने कह दिया, अच्छा जेवी हरी इच्छा, जेवी हरी इच्छा, जे गम्यू जगत गुरु देव जगदीश ने ते तणो खर खरो फोक करवो। नरसिंह ने अपने आप को जैसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। मीरा की बातें भी ऐसी आती है कि वो उसको बोला गया कि आपको ये पीना है, उसको पता है इसमें जहर है, अपने आप को श्री कृष्ण को सौंप दिया है, तो अभी जहर भी पी जाएंगे। तो इन सभी बातों के साथ यहां कहां मैं गुजराती में कहीं तो मेड़ केवल थे बेसाड़ वो, तो सौंप देते हैं हम जब अपने आप को, तो मकरंद भाई मने याद आवे छे, गीताबेन मकरंद भाई ने बहुत सरस कविता छे, पगलू मांडू आकाश मां नीचे जो हरिवर्णो हाथ। हम जब अध्यात्म के मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, आपको लगेगा कि भक्तों के जीवन में ऐसे चमत्कार जैसी घटनाएं क्यों घटी हैं, तो आप भगवान को इनको सबको भूल जाओ, एक कोई शक्ति है जो शक्ति आपको मदद करेगी, जो इस मार्ग को मार्ग पर चलने के लिए जो साधक अग्रेसर हुआ है, वो अगर थका हारा उसको तकलीफ हुई तो उसको ये शक्ति मदद में आएगी। लेकिन ये शक्ति कब आएगी? जब अपने आप को समर्पित कर देंगे तब। तो एक जातनी नचिंतता आवी जाए छे, भगवान ना એટલે કે કુદરત ના, આપણે ભગવાન એવો શબ્દ નહીં વાપરીએ, તો પ્રકૃતિ કુદરત જિસે હમ કહેતે હૈ ઉસકે માનો ગોદ મે ભક્ત આ જાતા હૈ। યે ભી એક અવસ્થા હૈ, ઉસકી બાત હમ લાસ્ટ મે કરેંગે અગર સમય રહા તો, इसकी थोड़ी क्लियरिटी बाकी है लेकिन उस वो हम लास्ट में करेंगे। लेकिन सच्चे भक्त जो हैं वो केवल कृपा पे अवलंबित नहीं रहते,
वो पुरुषार्थ भी करते रहते हैं, अपने भगवान को सौंप दिया तो वो अब करेंगे, ये इसका एक भय स्थान भक्ति में, ये एक भय स्थान आ गया भक्ति के समर्पण में कि अगर मैंने भगवान को अपने आप को सौंप दिया है तो अब वो करेंगे, मुझे कुछ नहीं करता, मैं जैसा हूं वैसा मैं सुधरूंगा नहीं, मैं अपने आप को निखारूंगा नहीं, लेकिन भगवान जो है वो मुझे स्वीकार कर लेंगे और वो जो है वो मेरा कल्याण कर देंगे। तो ये बात तो यहाँ पे हमें फिट नहीं लगेगी। तो जैन परंपरा की जब बात है तो यहाँ पे भक्ति से एक कदम आगे चल साधना की बात की गई है, और साधना में किस प्रकार की समर्पितता अपेक्षित है उसकी बात यहाँ पे आती है। हम गाते हैं ना, प्रभु तारा जेवू मारे था ऊंचे, प्रभु तारू गीत मारे गाऊंचे। लेकिन केवल गीत गाने से हम प्रभु जैसे बन जाएंगे? अगर हमें बनना है, हमें मिलना है उनसे, तो उनके जैसा हम अगर अपने लड़के के लिए लड़की या लड़की के लिए लड़का भी ढूंढते हैं, उन दोनों को मिलाने की बात सोचते हैं पति पत्नी के तौर पर, तो भी हम समान गुण धर्म वाले कुछ मैचिंग हो इस प्रकार के पात्रों को एक दूसरे का साथ जोड़ते हैं, तो हम जैसे भी हों भगवान हमें स्वीकार करें, वो शुद्ध हैं तो मुझे भी शुद्ध बनना होगा, वो अविकारी हैं तो मुझे भी अविकारी बनना होगा, और उसके लिए मैं अपने आप को उनके पास समर्पित करता हूँ। उदाहरण के तौर पर हम लेंगे कि अगर कोई विद्यार्थी संगीत सीखने के लिए किसी संगीतज्ञ के पास जाता है तो वो अपने आप को सरेंडर करता है कि गुरु महाराज अभी आपके आप जैसे कहेंगे वैसा मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ। तो समर्पित करना माने क्या, गुरु हाथ रखेंगे और उनको संगीत आ जाएगा? नहीं। तो समर्पितता का मतलब यह है कि अभी संगीतज्ञ के जैसा उनको बनना है, तो सादा सीधा उसका यही प्रमाण है कि उनकी आज्ञा के प्रमाण आज्ञा के हिसाब से उसे चलना होगा और परिश्रम करना होगा। तो अब बहुत अच्छी पंक्तियां आती हैं, वो क्या है, मति तर्पण बहु सम्मत जानिए परिसर्पण सुविचार सुज्ञानी। शब्दों बधा ज जाणीता छे अने अर्थ समझवा माटे पण ए कवि पासे, कविनी भाषा पासे, एना समय पासे, पदावली पासे, कविताना स्वरूप पासे, आ बधा पासे आपणे जवू पड़े तो ज आपणे समझी शकीए। मति तर्पण बहु सम्मत जाणीए, अभी भक्ति की बात आई है, शरणागति की बात आई है, ये बहुत लोगों को पसंद है ये बात, अरे भगवान को समर्पित कर दो अपने आप को, बहुत अच्छी बात। तो यह जो बात है भगवान को अपने आप को समर्पित कर देने की बात, बौद्धिक स्तर पे बहुत लोगों को बहुसम्मत जानिए, लेकिन वो मति तर्पण है। मति तर्पण माने बौद्धिक स्तर पे भगवान को अपने आप को सौंप देना, यानी हम जैसे हैं वैसे अपने आप को सौंप दिया, अभी जो करेगा वो भगवान करेगा। तो ऐसी जो बात है तो वहां उसका समर्थन बहुत सारे लोग करते हैं, तो उसको मति बहु सम्मत हम समझ सकते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक भय स्थान है। क्या भय स्थान है? कि भगवान को सौंप दिया तो भक्त की निष्क्रियता का भय स्थान, अभी भक्त निष्क्रिय हो जाएगा। देखिए आनंद गंज जी महाराज एक ऐसे शिक्षक हैं जो अपने विद्यार्थी को, अपने छात्र को, या हम जैसे छात्रों को, हम जैसे विद्यार्थियों को बहुत छोटी छोटी सूचनाएं देते हैं कि यहाँ पे यह भय स्थान है, यहाँ पे चूक नहीं जाना। हाँ एमाती पण उगारे छे, सावध करते हैं। साधक का काम सावध करना है। साध गुजराती में कहूं एकदम बराबर, साधु नु काम सावध करवानु छे, साधवानु तो आपने, साधु अपने सावध करी सके, साधु हमें सावध कर सकते हैं, लेकिन उसको हासिल करना, साधु पड़े तो उस साध्य को हासिल करना वो हमें करना, वो साधु हमें करके नहीं देगा। तो कवि कहे छे बहु लोगों ने जे गमे छे समर्पितता ए बुद्धिना स्तरनी छे, मति तर्पण छे हूँ जेवो छूं तेवो काई न करूं अने भगवान मने बचावे तारे शरणागति मां आ जोखम छे। आनंदगन जी महाराज हमें इस भय स्थान से बचाते हैं। भगवान ने अपने कोण जाने केवो चित्र्यो खबर नहीं, घनी परंपराओं में
આપણે એવી રીતે વાત કરીએ કે ભગવાનની પ્રશંસા કરો, અરે એને ખુશ કરો, એટલે એ આપણા ઉપર રાજી થઈ જાય અને એના વખાણ કરો. સાધક આ લપસણા માર્ગથી બચીને ચાલે છે. એટલે આનંદગંજી મહારાજ કહે છે કે માત્ર બુદ્ધિથી ભગવાનનું તર્પણ કરવાનું નથી, વાતો કરવાની નથી, સાચું અર્પણ કરવાનું છે. તો સાચું અર્પણ શું? તો સચ્ચા અમે પ્રશ્ન હોગા ના કે સચ્ચા અર્પણ ફિર ક્યા હૈ, તો ઉસકા જવાબ દે દિયા, સચ્ચા અર્પણ હૈ પરિસર્પણ સુવિચાર સુજ્ઞાની. ક્યા જવાબ હૈ? સાચો વિચાર, સાચી રીત કઈ? તો જવાબ પરિસર્પણ. પરિસર્પણ કા ક્યા અર્થ કરેંગે? ધીરે ધીરે ઉસકી ઓર આગે બઢના, સરકવું, ગુજરાતીમાં જેને આપણે કહીએ. ભગવાનની પાછળ પાછળ ચાલવું એટલે એ જે રસ્તો બતાડી ગયા છે, રાહ જે બતાડી ગયા છે, એના ઉપર ચાલવું, એ પરિસર્પણ, એ સાચું અર્પણ છે. બાકી તો મતિ તર્પણ છે, અને મતિ તર્પણ એ બધાને ગમશે પણ એ સાચું નથી. સાચું અર્પણ તો શું છે? પરિસર. એ શબ્દ બહુત હી સમજને જૈસા હૈ. મનને મનાવવાની વાત, અંધારામાં રહેવાની વાત, કે એમ કહો કે જાતને ઠગવાની વાત આનંદગંજી મહારાજ કહે નહીં. તો વો કહેતે હૈ કે પરિસર્પણ હોગા તો હી આપકા સહી માને મે ભગવાન કો અર્પણ હૈ. દેખીએ અર્પણ કી ક્યા વ્યાખ્યા કર દી, સમર્પણ કી ક્યા વ્યાખ્યા કર દી, એ દૂસરી વ્યાખ્યા હૈ, રેગ્યુલર વ્યાખ્યા સે અલગ વ્યાખ્યા હૈ. પરિસર્પણ ये शब्द है वो साधना की गति का भी हमें दर्शन करवाती है. परिसर्पण सांप जेम धीरे धीरे सरके, जैसे सांप धीरे धीरे सरकता है, वैसे साधक की साधना की गति भी धीरे धीरे धीरे, यहाँ दौड़ना नहीं है, कूदना नहीं है, सरकना, सरकवूच. तो उड़वानी तो वात ज नहीं, उतावड़ पोसाय नहीं. आगळनी कवितामां आवी गयुं छे, अभय अद्वेष अखेद, ભાઈ મારા થાક્યા વગર ચાલવાનું છે, ચાલવાનું છે, ચાલવાનું. સાધક ભગવાનને પૂછે છે, પૂછ્યું, દસવૈકાલિક સૂત્રમાં આવે છે કે ભગવાન કહમ ચરે કહમ ચિઠ્ઠે, હું કેમ બોલું, કેમ ચાલું, કેમ બેસું, કેમ ઊભું, કેમ ખાઉં, શું કરું, ભગવાન બધામાં પાપ છે. અરે તો ભગવાને જવાબ આપ્યો, જયમ ચરે જયમ ચિઠ્ઠે. અને આખી વાત આવે કે જૈણાપૂર્વક, જાગૃતિપૂર્વક, ચાલ બેસ, આમ કર, આમ કર. આ સાધના છે પરિસર્પણ. એટલે જાગૃતિ પૂર્વક નું ચાલવું, ધીરે ધીરે ચાલવું. તો ભગવાન આનંદગંજી મહારાજ યહાં પે એક એક સ્તવન મે કહી ભી પુરુષાર્થ કી બાત છૂટતી નહીં હૈ. માનો પુરુષાર્થ યહાં જનરલ ફેક્ટર કે તોર પે આતા હૈ. તો આગે કી પંક્તિયાં ક્યા કહેતી હૈ? બહુત હી સિમ્પલ હૈ. યહાં પે આગળની પંક્તિઓ જોઈએ. આપણે શરીરધારી આત્માના ત્રણ સ્ટેજ, ત્રણ તબક્કા, તીન કક્ષા ઉસમે બતાઈ ગઈ. ક્યા કહેતે હૈ? પરિસર્પણ કરવાનું છે પણ શરૂઆત ક્યાંથી કરીશું? ત્રિવિધ સકલ તનુ ધરગત આત્મા બહિરાતમ ધુરી ભેદ સુજ્ઞાની, બીજો અંતર આત્મા તીસરો પરમાતમ અવિચ્છેદ સુજ્ઞાની. ત્રિવિધ સકલ તનુ ધરગત આત્મા, તનુ તન માને શરીર, શરીર કો ધારણ કરને વાલે આત્મા કે તીન પ્રકાર બતાએ ગયે હૈ. એક હૈ બહિરાત્મા ધુરી, જો પ્રથમ ભેદ હૈ, બીજો ભેદ જે છે એ અંતરાત્મા છે, અને ત્રીજો જે છે એ પૂર્ણ અવિચ્છેદ યાની પરમાત્મા. તો પહેલી સ્થિતિ વો બહિરાત્મા કી હૈ, દૂસરી અંતરાત્મા કી હૈ, અને તીસરી પરમાત્મા કી હૈ. બહિરાત્મા મે સે હમે પરમાત્મા તક કી યાત્રા કરની હૈ. ગુજરાતીમાં કહીએ તો પામરમાંથી પરમ થવાની યાત્રા આપણે કરવાની છે. જુઓ, પામરમાં ત્રણ શબ્દો છે, પરમમાં ત્રણ શબ્દો છે, એના એ જ અક્ષરો છે. પામરમાં પ મ ર છે, અને અહીંયા પણ પરમમાં પ ર મ છે. એ જ શબ્દોને આડાઅવડા કરી દીધા, કાના માત્રા દૂર કરી દીધી છે. મિત્રો, આવી કાનો માત્ર જેવી ઘણી બધી વૃત્તિઓ આપણામાં જે છે ને, એને દૂર કરીશું ત્યારે જ આપણે પામરત્વમાંથી પરમત્વ સુધી પહોંચી શકીશું. આ પ્રક્રિયાની વાત છે, આ પ્રક્રિયા છે, એસે નહીં હો જાયેગા. વિવેકાનંદજી કા એક વિધાન મુજે બહોત અચ્છા લગ રહા હૈ. વિવેકાનંદજી ને કહા, આજ કા અમીબા, અમીબા એક કોષીય જીવ હૈ, વો આને વાલે કલ કા બુદ્ધ હો સકતા હૈ.
आज का अमीबा आजनु अमीबा आवती काल नु बुद्ध छे एवं कहूं विवेकानंद ने। तो शक्यताएं एक कोशीय जीव में भी पड़ी हैं बुद्धत्व की। तो बहिरात्म में से हमें परमात्मा तक पहुंचना है। यहाँ केवल भेद बताव्या, केवल भेद एटले गिरनारनी तड़ेटी बताड़ी, पछी गिरनारनो मध्य भाग बताड्यो अने गिरनारनी टोच बताड़ी। गिरनार तो मैं शब्द प्रयोग करना हो तो यहाँ तीनों स्तर बता दिए। अभी चढ़ना हमारे हमारा का ये बात और भी है कि ये तीनों स्तर कौन बता सकते हैं, तो वो तीनों स्तर को जिन्होंने पार कर लिया है वो बता सकते हैं। अगरनी गाथा, यहाँ पे तो केवल तीन भेद बताए हैं, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन आनंदगण जी महाराज उसकी व्याख्या आगे देते हैं, तो वहीं पे हम उसकी ज्यादा बात करें वो अच्छा रहेगा। तो आगे की जो गाथा है उसमें पहले की दो अवस्थाएं जो हैं उसकी बात कही। तीसरी गाथा, आत्म बुद्धे कायादिक ग्रहो बहिरात्म अगरु पशु ज्ञानी कायादिकनो साखी धर रहो अंतर आत्म रूप। आत्म बुद्धे कायादिक ग्रहो बहिरात्म अगरूप। अभी हमारे लिए ये शब्द इतने नए हैं, यहाँ पे साधक जीव हैं या अभ्यासी जीव हैं उनके लिए तो सब जाने पहचाने होंगे, हमारे जैसे विद्यार्थियों के लिए तो बाप रे बाप। आत्म बुद्धे कायादिक ग्रहो, बीक लागे अपने डर लागे है आ बधु तो केवी रीते समझाश। तो फिर कृपा कृपा इस संदर्भ में कि महाराजा के पास ये समझने बैठते हैं और उनकी वाचना सुन के समझते हैं, अरे भाई इसका अर्थ ये है ये है ये। आत्म बुद्धे कायादिक ग्रहो बहिरात्म अगरूप कायादिक नो साक्षी धर रहो अंतर आत्म रूप। तो यहाँ पे पहला जो भेद बताया, आत्म बुद्धे कायादिक ग्रहो, अकाया तेज हूं छू यह शरीर वही मैं हूं एवं मानी ने जे चाले छे, असिंपल व्याख्या ये बहिरात्मा छे। आ एक प्रकार नु अज्ञान छे, अने अज्ञानी नी दृष्टि बाहर तरफ होय छे, वो बाहर का देखता है। सामान्य तौर पे हम भी बाहर का देखते हैं, अंतर आत्मा की ओर। इतले अपने त्यां ओलू भजन आव्यु ने के कस्तूरी छेरे मृगलानी माए, पण ए तो बिचारो फरे छे भटके छे दौड़े छे, अंदर झांकने की हमने कोशिश नहीं की। जो करता है वो प्राप्त करता है। दिशा अग्यारमी ज्यांथी उगड़े एवी भीतरनी पगदंडी ए ए छे, पण बहु ओछा लोकोनी नजर एना तरफ जाए छे। इसलिए हम जब किसी साधक की मूर्ति को देखते हैं ना, तो उसकी आंखें आप देखना ज्यादातर में बंद होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी जो एकदम सूक्ष्म भाव से मूर्ति बनाने वाले शिल्पी हैं, उन्होंने बड़े ही शिद्दत से उन मूर्ति की आंखों को ढाल दिया है, माने वो अपने आप को नीचे की ओर माने यहाँ पे देख रहे हो, माने अपने आप के स्वरूप को खोज रहे हो, ऐसा है। तो स्व ओड़क जेने नथी, जेने प्रश्नों उठ्या नथी, दुनिया जेम के छे एमज बधु चाल्या करे छे, अने आ कायाते हूँ आ माया जाड़ते मारी माया जाड़ आ मारू घर आ मारो परिवार आ बधु मारू 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 हूँ करूँ एज अज्ञानता सकटनो भार जेम स्वान ताणे गाड़ा नीचे चालता कूतरानी जेम आपणे बधा ढसड़ाया करीए अने जाणे आपणे ज बधु करीए छीए एम समझ्या करीए, तो हम किस पोजिशन में है? बहिरात्म की पोजिशन में। लेकिन धीरे 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 धर्म का कुछ श्रवण कान पे गया, अगर नहीं गया है बहिरात्म के स्वरूप में हम हैं, तो उसको क्या कहा? बहिरात्म अगरूप। अग का माने है पाप ना? तो बहिरात्म जो दशा है वो पाप जन्य दशा है। अब बोलेंगे वो कैसे? तो ज्यां सुधी हूँ शरीर छू एम मानू छू त्यां सुधी जे कर्म बंद थाय छे ए बधाज पाप जनक होय छे। मतलब को आप अभी मेरी प्रशंसा करेंगे कि तो मैं खुश हो जाऊंगा, अरे रमजान की प्रशंसा की। अगर आपने किसी ने मेरा अपमान कर लिया तो मुझे दुख लगेगा, अरे वो तो रमजान का सम्मान हुआ, रमजान का अपमान हुआ, मेरा कहाँ हुआ है?
लेकिन अगर मैंने अपने आप को इस शरीर से और इस नाम से जोड़ लिया तो जो भी क्रिया होती रहेंगी वो सभी पाप क्रियाएं हैं। तो समझ के तौर पर भी अगर हम समझ लें कि नहीं नहीं ये जो शरीर है वो मैं नहीं, मैं तो कोई पर, अगर हमने अभी तक उस स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लिया है लेकिन समझ में तो आया, इतने ज्ञानी कह रहे हैं तो ऐसे ही तो नहीं कहा होगा और उसके प्रमाण भी दिए हैं, तो उनके आधार पर अगर हमने इतना सोच लिया, पर्याय को हमने अपना न समझा, पर्याय ने पर्याय समझो, रमजान ते हूं न थी, अशरीर ते हूं न थी, तो अपने धीरे धीरे बीजा स्टेप तरफ अगर बढ़ गया। उसकी आगे की अवस्था क्या है, काया दिकनो साखी धर रहो, जे आत्मा अने शरीर नो भेद करी शके, हूँ ते शरीर नथी एम समझी ले जाने ले अने काया ने साक्षी तरीके जोई शके तेने ज्ञानियो अंतरात्मा कहे छे। जेने आत्मा ने ओळखी लीधो अने एने आ काया फेंकी नथी देवानी, मतलब अब शरीर को छोड़ देना है, इस शरीर को नहीं मिट्टी समझना है, नहीं एटले आपणे त्यां तो भजन मां पण आव्युं, नरसिंहे पण आगळ जता कह्युं જ્યાં લગી આત્મા તત્વ ચિન્હ્યો નહીં, એ તો આવ્યું જ, પણ આત્માને ઓળખ્યા વિના આ લખ ચોરાશી નહીં તડે હોજી, એસે ભજન ભી ગુજરાતી મેં આયે, કિસી અન્ય પરંપરા મેં ભી, લેકિન જાનના તો પડેગા હી, તો દૂસરી અવસ્થા ભી હૈ, હું તે પરપૂર્ણ બ્રહ્મ અવિનાશી આત્મા છું, એવી ઓળખ જેને થઈ ગઈ એ આગળની ભૂમિકા છે। અમે યાદ આતે હૈ શ્રીમદ રાજચંદ્રજી મહારાજ, વો કહેતે ના देह छता जेनी दशा वरते देहाती, ए ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन गणी, किस ज्ञानी को वंदन किया हुआ, देह छता जेनी दशा वरते देहाती, माने देह छोड़ नहीं दिया है लेकिन देह में बंधे हुए जो नहीं है, देह की माया में से जो बाहर निकल चुके हैं, वैसे देहातीत स्वरूप को जिसने प्राप्त कर लिया है ऐसे ज्ञानी को मैं वंदन करता हूं। देहात्म बुद्धि जिसकी नहीं रही है। वैदिक परंपरा में एक प्रसंग आता है सुखदेव जी का और जनक महाराज का, मुझे ये कहना इसलिए है कि हर जगह पे देहात्म बुद्धि से बाहर निकलने की बात है। सुखदेव जी महाराज को उनके पिता कहते हैं कि आप साधु हैं, उसका सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको राजा जनक के पास जाना होगा। देखिए एक हमारे यहाँ राजर्षि ऐसा शब्द है, जनक राजा है फिर भी ऋषि, तो उनके पास एक साधु अपनी साधुता का सर्टिफिकेट लेने जाता है कि मैं साधु हुआ हूं कि नहीं हुआ, उसकी परीक्षा वो करेंगे। तो सुखदेव बोलते हैं ठीक है, सुखदेव तो दिगंबर है और परम ज्ञानी है लेकिन फिर भी जाते हैं, और जाते हैं तो ऐसे दिगंबर अवस्था में कोई भी ऐसे राजमहल में प्रवेश करे तो द्वारपाल रोकते हैं उसे। द्वारपालों ने रोका, रुक गए, बोले कौन हो, सुखदेव हूं, जनक राजा के दर्शन के लिए आया हूं और उनसे ज्ञान चर्चा करनी है, आप मेरा संदेशा वहां पे पहुंचा दीजिए। पहुंचा दिया। जनक महाराज की रानियां दासियां अप्सराओं जैसी दासियां सब आई, उनका स्वागत किया, जनक महाराज के पास लेके गई। जनक महाराज ने अपने आसन पर बिठाकर कहा, प्रभु आपने इधर आने का कष्ट किया, मुझे आज्ञा कर देते मैं आ जाता। सुखदेव जी महाराज कहते, अरे नहीं नहीं मेरे पिताश्री का आदेश है कि मैं साधुता का आपके पास से परीक्षण करवा के आऊं, तो चलिए आप मेरी परीक्षा लीजिए और मुझे प्रमाण दीजिए कि मैं साधु अभी तक हूं कि नहीं हूं। जनक महाराज पूछते हैं कि आप आए तब आपने क्या देखा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि दो शक्कर की पुतलियों ने मेरा रास्ता रोका। फिर क्या हुआ, फिर कुछ शक्कर की पुतलियां आई और एक शक्कर की पुतली का स्वागत करके लेके आई यहां तक। अभी क्या हो रहा है, एक शक्कर की पुतली दूसरे शक्कर की पुतली से बात कर रही है। बे खांडनी पुतड़ियों ए मारो रस्तो रोक्यो, કેટલીક ખાંડની પૂતળીઓ આવી અને મારું સ્વાગત કરી ગઈ, અને અત્યારે એક ખાંડની પૂતળી બીજી ખાંડની પૂતળી સાથે વાત કરી રહી છે। વાત આટલી જ છે, આનાથી વધારે કઈ નહીં। શરીર કો શક્કર કી ગુડિયા બતાયા, શક્કર કી ગુડિયા,
नश्वर एकदम। तो उसमें भी देहात्म से, देह से परे आत्म है, देह है वो, मैं नहीं हूं, ऐसी बातें अन्य परंपराओं में भी आई है। तो मुक्त नहीं थयो पण मुक्त थवानो प्रयत्न करी रहे हो छे, मतलब शरीर छूट नहीं गया है, लेकिन शरीर के साथ का जो राग है, आसक्ति है, वो छूट गई है, उसे हम अंतरात्मा कहते हैं। तो हवे कायानी बात समझाई गई, कायानो सु बनी गयो, साखी धर साक्षी बनी गयो, पड़ोसी बनी गयो, एम कही। हाँ, अहीं मजानी बात ए पण आवे छे, बीजा तबक्कानी वात आपणने कवि करे छे, एटले मारे तमने बीजी एक वात पण करवी छे। कवि की यह जो स्टाइल है, द वे ही एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स इज वेरी डिफरेंट, डिफरेंट माने बहुत सुंदर तरीके से वो बताते हैं। मुझे नरसिंह याद आता, नरसिंह का जो प्रसिद्ध पद गांधी जी को बहुत प्रिय है वो है, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, पीड़ पराई जाने रे, वगैरह वगैरह। ऐसा ही दूसरा एक भजन है वो दयाराम का है, वैष्णव नहीं थयो तू रे सिद्ध गुमान मा गुमे, अरे तुम वैष्णव नहीं हो, पर स्त्री को माता मानते हो, ये करते हो, परधन को पत्थर समान मानते हो, नहीं मानते हो, गेट आउट, यू आर नॉट वैष्णव। लेकिन सच्चा कवि, साधक कवि, वो किस प्रकार से कुमाश से, मृदुता से काम लेता है। आनंद गंजी महाराज भी ऐसे मृदु कवि है, वो ऐसे नहीं कहते थे कि आप बहिरात्मा है और आप अंतरात्मा है, चलो यहां से अलग हो जाओ, इतने आ जाओ अंदर अंतरात्मा के इस राउंड में, इसने बहिरात्मा के राउंड, नहीं, उन्होंने बताया कि अगर ऐसा ऐसा है, उन्होंने क्या कह दिया, कक्षाएं बता दी, अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो आप इस कक्षा में, अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो इस कक्षा में, वो सर्टिफिकेट देने बैठे नहीं है। साधु कवि का काम सर्टिफिकेट देना नहीं है, उनका काम कक्षा बताना है। तो यह बात भी मुझे बड़ी पसंद आई कि यहाँ पे वो नहीं कहते कि आप अभी तक बहिरात्मा में घूम रहे हो, कुछ पता है कि नहीं है, अंतरात्मा तक जाना है कि नहीं जाना है, ऐसा कोई आर्द्र स्वर नहीं है। इसे अंतरात्मा कहते हैं, इससे पहले यह बहिरात्मा कहते हैं। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप किस कक्षा में हैं। दूसरी एक बात भी मुझे यहाँ पे खास कहनी है कि दोनों बातों में, अंतरात्मा की व्याख्या करते वक्त और बहिरात्मा की व्याख्या करते वक्त, उन्होंने जिस बात को केंद्र में रखा वो काया है। शरीर ने जो पोते छे एवं समझे तो ए बहिरात्मा, अने शरीर ते हूँ नथी एने साक्षी राखे, साक्षी भावे जुए तो ए अंतरात्मा छे। तो एवं केम कहे, शरीर ने लास्ट प्रमाण तरीके केम मुकी दीधो कि शरीर ने पोते समझे तो बहिरात्मा, शरीर थी पर थई जाए तो ए अंतरात्मा। ऐसे क्यों? क्योंकि काया वो निर्लेप होने वाला सबसे लास्ट स्टेज है। हम पहले और सभी चीजों से निर्लेप हो सकते हैं, अपने आप से माने अपने शरीर से, इसीलिए मैं भी बोल गया अपने आप से नहीं, अपने शरीर से निर्लेप होना वो सबसे लास्ट स्टेज है। यहाँ पे अंतिम बात बता दी, अगर आप शरीर से निर्लेप हो गए तो आप अंतरात्मा, अगर आप वो नहीं हो रहे हैं तो काया ना साक्षी, काया बनीशू क्या रे बनीशू, लेकिन काया साथे सौथी वधारे आपणने जोडाण, एटले काया ने केंद्र में राखी ने आखी वात एमणे बधाने आवरी लीधा, आखी वात टोटलिटी। मतलब जो व्यक्ति काया से पर हो चुका है वो और सभी बातों से अपने आप परे हो चुका है, उसका प्रमाण मिल जाता है। जो अपनी काया से परे नहीं है तो अभी वहां पे भी अटका हुआ है, यहाँ पे भी अटका हुआ है, यहाँ पे भी अटका हुआ है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ काया को लिया है, क्योंकि काया अंतिम प्रमाण। आगे बढ़ते हैं पछीनी पंक्तियों, तो पहले आएगा बहिरात्मा अवस्था, फिर अंतरात्म की अवस्था, अब कौन सी तीसरी अवस्था जो आपकी राह तके बैठी है, वो कौन सी अवस्था है। ज्ञानानंदे हो पुराण पावनो वर्जित सकल उपाधि सुज्ञानी अतिन्द्रिय गुण गण मणि आगरो इमा परमात्म साध। ज्ञानानंदे हो पुराण पावनो,
वर्जित सकल उपाधि सुज्ञानी अतिन्द्रिय गुण गण मणि आगरु इम परमात्म सार। ठीक ठीक करता हवे समझाई जशे, मूड माथी भ्रांति तड़ी जशे, सम्यक दर्शन थशे, अने जे अवस्था प्राप्त थशे ते केवी हशे, ये तेरी ही अवस्था है। बहिरात्म भी हमारी ही अवस्था है, अंतरात्म भी हमारी ही अवस्था है, और परमात्म भी हमारी ही अवस्था है। देखिए वो पामर से परम तक की बात। तो ज्ञान अने आनंदनी परिपूर्ण अवस्था, पावन पवित्र अवस्था, बधीज उपाधियों थी रहित उपाधि, अतिन्द्रिय गुणों जेटला छे बधा एमां खिली उठशे, एनी तमे आगर बनी जशो। आगर शब्द का अर्थ है खाण, गुजराती में आपणे जेने खाण कहीए छे। खाण शब्द पण मने बहु महत्वनो लागे, केम अहींया एम कह्युं के गुणोनी खाण बनी जशो। आपणे बधा गुणोनी खाण छीए ज, पण खाण माटे एक काम करवुं पड़े, खाण ने खोदवी पड़े। सोने की खान है तो उसे खोदना पड़ेगा तभी सोना निकलेगा। तो यहाँ पे भगवान तो गुणों की खान होए, हम भी गुणों की। अरे भगवान की कहाँ बात है, ये तो हमारी ही बात है, हमारी ही पोजीशन की बात है। हम भी गुणों की खान है, हमारे अंदर ही सभी गुण है। आत्मा एटले शू, तो के गुणों थी युक्त एवो पिंड एटले आत्मा। अपने बधा गुणों थी भरेला छे, पण मज कंटाळो शू छे के जेम सोनू माटीमां होय, कोलसामां होय, काड़ामां होय, अने पछी एने काढवुं पड़े, तेम अहींया आ प्रक्रिया करवी पड़े छे ने। कोलसामांथी हीरो बनवानी प्रक्रिया, माटीमांथी सुवर्ण बनावानी प्रक्रियामांथी पसार थवुं पड़े छे, त्यारे आ थाय छे। एम अपने आपको भी इस प्रक्रिया में से पसार होना है। आ रीते तू परमात्मा स्वरूप ने साधी ले। भगवान कैसे है, जहां ज्ञान है, आनंद है, सिद्ध स्वरूप की हम कल्पना करें तो कैसी करें। समण सुत्तम पढ़ें आप तो आपको पता चलेगा कि कैसा परमात्मा स्वरूप है। तो उपाधि शब्द यहाँ पे आया, उसका अर्थ है वस्तु। भगवान को अब अपने सुख के लिए किसी भी वस्तु पर, भगवान को माने परमात्मा अवस्था को जो प्राप्त करता है, उसको अपने सुख के लिए किसी वस्तु पर अवलंबित रहना नहीं पड़ता है। तो जब आप किसी पर अवलंबित नहीं है तभी आप स्वतंत्र हैं। तो दोस्तों परमात्मा अवस्था को प्राप्त करना ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। तब तक आप परतंत्र हैं। राजा का गुलाम परतंत्र है, राजा भी गुलाम है, राग का, द्वेष का, मोह का, माया का, सभी का गुलाम। तो यह पारतंत्र है, स्वतंत्र कब है, जब अपने आप को खुश करने के लिए, आनंद में रहने के लिए किसी भी उपाधि की जरूरत नहीं है, किसी भी साधन की जरूरत नहीं है। तो इसको, ऐसी परमात्म दशा को प्राप्त करने के लिए इन्हें तू साध एटले शू, इन्हें घूट, इन्हें प्राप्त करवा माटे प्रयत्न कर, प्रयत्न कर, प्रयत्न कर। हवे तारे तारी जातने ज मेळवानी छे। यहां परमात्मा की बात यानी वो परमात्मा की बात नहीं है, तू ही परमात्मा है, तू ही बहिरात्मा है, तू ही अंतरात्मा तक जा सकता है और तू ही परमात्मा बन सकता है। दीज आर द थ्री स्टेजेस। आपको पसंद करना है कि आप कौन से स्टेज में रहना चाहते हैं। तो विकृत स्वरूप बहिरात्मा हूँ, नेति 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 हूँ, आ शरीर नथी नथी नथी, ए अंतरात्म स्वरूप, तो शू छू, परमात्मा छू, एनु रटन। तीसरा स्टेप हवे स्वरूप समझाव्या पछी करवानुं, तो शुं करवानुं, तो आगे कह दिया, बहिरात्म तजी अंतर आत्मा। आगे की पंक्तियां, बहिरात्म तजी अंतर आत्मा, रूप थई फिर भाव सुज्ञानी, परमात्मनु हो आत्म भाववु, आत्म अर्पण दाव। बहिरात्म तजी अंतर आत्मा, अभी करना यही है। क्या करना है, बहिरात्म को करवानु सोच, आटलून, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग व्हाट यू हैव टू डू, दिस बहिरात्म स्वरूप को त्याग करना है, अंतरात्म स्वरूप में स्थिर होना है,
और परमात्म स्वरूप का भावन करना है, यही तो काम है, इतना ही। इट्स वेरी सिंपल। बहिरात्म स्वरूप का त्याग, अंतरात्म स्वरूप में स्थिर होना और परमात्म को, यह शब्द वापरे बहुत सरस, भाववू एमा रहू, रटन करता रहू, भावता रहू, भावित थवू एटले शू, भावित थवू एटले शू, तो के एना जेवा बनवानी कोशिश कर्या करता रहू, एवी बात। एक बहुत अच्छी सी कहानी मारासा ने हमें ये सवन समझाते हुए सुनाई थी, एक राजा की और एक राजकुमार। एक राजा, उसका एक छोटा सा राजकुमार है 8-9-10 साल का, लेकिन उसको पीठ के पीछे यहाँ एक भाग जो ऊपर निकला है, गुजराती में जेने अपने खूंद कही छे, मने एनो हिंदी शब्द नहीं आवड़तो, तो ए खूंद बारे आवी गई छे। हवे राजा नो दीकरो राजा थशे, खूंद वाड़ो तो केवी रीते चाले, एटले राजा वैद्यो ने तेड़ावे छे, केटलू बधुं करे छे पण थतुं नथी, मटतुं नथी। एक हकीम आता है और वो कहता है कि मैं उसे ये अच्छा कर दूं, लेकिन आपको एक शर्त है, इसको मुझे सौंप देना होगा। तो वो सौंप देते हैं। अभी वो उनको बोलते हैं कसरत करो, ये करो, ये करो, मालिश करो, वो करो, मतलब पुरुषार्थ करो। दूसरा काम करते हैं, एक शिल्पी को बुलाते हैं और उनके जैसा ही शिल्प बनाकर वहां खड़ा कर देते हैं, लेकिन सिर्फ खाली खूंद काढ़ी ना के, खूंद ना हो तो कितलो ऊंचो देखा है, इतलो ऊंचो ए राजा नो राजकुमार त्यां बेसाड़े जाने के छे, तू आज छे, तू आज छे, तू आज छे, आ टट्टार उभो छे ने एम तारे पण टट्टार उभवानुं छे। और मन की असर धीरे 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 शरीर पर होती है, और वो कहानी में वो तो कहानी है, लेकिन कहानी प्रतीक है। परमात्मा ने आंख सामे राखी ने एमना जेवा थवानुं गूंटता रहू, उसका नाम भावन है। भावे भावना भावीए, आपणे शब्द बोलीए छीए, भाववू शब्द एनो आ अर्थ, आटलो ऊंडो अर्थ। मात्र भाववू एटले एम रटण करवू नथी, भावे दीजे ज्ञान, भावे केवल ज्ञान ने वगैरह वगैरह, तो सतत कोशिश करवानी। मित्रों, साधक के लिए यही तो काम करना है। सभी स्तवनों में एक कॉमन फैक्टर के तौर पर आता है, वो यह परिश्रम। क्या करना है? राग आया, देखा, पता चला, उससे बाहर निकले। द्वेष आया, पता चला, उससे बाहर निकले। हमें 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 समझ में आता है, मैंने क्रोध किया, पता चला, आयो जोयो बाहर निकलो, आवयो जोयो बाहर निकलो, यही करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तो इसी से भगवान का आलंबन जरूर रखेंगे, लेकिन इसी से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो प्रश्न एम थाय छे कि आवा केम थवाय, तो अपने सूत्र मड़े छे, भगवान ना शासन नु सूत्र मड़े छे, अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा एज परमात्मा। वैदिक परंपरा में शब्द मिलते हैं तत्वम असी, तत्वम असी, सोहम, शिवोहम, शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे सूत्र मिलते हैं। नरसिंह कहे छे ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। दोस्तों, यह पंक्ति बहुत समझने जैसी, ब्रह्म हूं पण छू, तमे पण छू, अपने बधाज। एक भक्त जब भगवान के सामने चेष्टा करता है, पूजा आरती वगैरह वगैरह करता है, तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म के पास चेष्टा कर रहा है, लटका माने चेष्टा कर रहा है, क्रिया कर रहा है। फर्क इतना ही है कि एक का ब्रह्मत्व जो है वो सिद्ध हो चुका है और दूसरे के ब्रह्मत्व को सिद्ध होने में अभी समय है, बाकी दोनों ब्रह्म है। इस प्रकार से अपने आप के सही स्वरूप, जो परम स्वरूप है, उसका रटन करते रहना, करते रहना, करते रहना, यही परमात्मा बनने का मार्ग। एक बाजू रटन छे, बीजी बाजू परिश्रम, एक बाजू रटन छे, बीजी बाजू परिश्रम। केवल रटन भी काम नहीं आएगा, उसके साथ परिश्रम तो करना ही है। इतले आनंदगन जी महाराज बहुत स्पष्ट छे, चलना है तो कैसे चलना है। एक दोहा आता है, चलो 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 सबको कहे मोहे अंदेशा और, साहेब का परचा नहीं तो जाएंगे किस थोर। बदा चालो 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 एम बोले छे, पण क्या जवू, करूं शू। आनंदगन जी महाराज यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट भाषा में कहते हैं कि ये परिश्रम कर। तो परिश्रम की व्याख्या क्या है, उसको हमने समझने की कोशिश की। आपके रोजमर्रा की जिंदगी में ये परिश्रम करना है, उसके लिए साधना में बैठना ही केवल जरूरी नहीं है। दुकान पे बैठे हैं तभी भी वो परिश्रम चालू है, आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो भी परिश्रम चालू है, खाने के लिए बैठे हैं तो भी परिश्रम चालू है।
અંતર એટલે તો આપણે ત્યાં કહેવાયું છે સાધુ તો ચલતા ભલા, તો સાધુ તો ચાલ્યા જ કરે છે, બેઠો હોય છે ત્યારે પણ ચાલ્યા કરે છે, અરે સૂતો હોય છે ત્યારે પણ ચાલ્યા કરે છે. કેમ ચાલ્યા કરે છે? અંદર ચાલ્યા કરે છે, અંદર. વિકાસ કી યાત્રા હૈ વો ચલતે હી રહેના હૈ, ચલતે હી રહેના હૈ, આગે બઢતે રહેના હૈ. ઓર અંતિમ પંક્તિયા મેં ક્યા કહી દિયા, છેલ્લે કહી દીધું શું? આત્મ અર્પણ વસ્તુ વિચારતા ભરમ ટળે મતિ દોષ. आत्म अर्पण, अभी ये पूरे स्तवन में आत्म अर्पण करने की जो बात हमने समझी है कि आत्म अर्पण करने का मतलब क्या है, अपने आप को सौंप देने का मतलब क्या है, वो हमने समझा है. तो वो जब हम समझ जाते हैं आत्म अर्पण वस्तु विचारता, इनो जरे हूं ख्याल करूं छू, उसके बारे में जब मैं सोचता हूं और समझता हूं, केवल ना केवल सोचता हूं अपितु समझता हूं, तब भरम टले मति दोष सुज्ञान. तो मेरी मन की जो भ्रांतियां हैं, मन के जो भ्रम हैं, मन के जो दोष हैं, वो टल जाते हैं और क्या होगा, भावी उपलब्धि आएगी, परम पदार्थ संपत्ति, परम पदार्थ संपत्ति संपजे आनंद घन रसपोष. जो परम संपत्ति है अपने आप की, अपने आप के स्वरूप, उस परम संपत्ति को हम प्राप्त करेंगे. यह बात अंत में आई तो आत्मसमर्पण नो विचार करता अंदर ना दोषो, अंदर नो भ्रम, अंदर नी भ्रांति ए टड़वा मनशे. भगवान करशे एवी बात जैन परंपरा मा फिट थासे नहीं. तो यहाँ पे आत्म अर्पण का अर्थ क्या करेंगे? आत्मसमर्पण वो तो बराबर है, लेकिन आत्मसमर्पण माने आत्म परिवर्तन माटे लीधेली जैमत, आत्म परिवर्तन के लिए की ली गई मेहनत, की गई मेहनत, ये आत्मार्पण. हम कुछ करें ही नहीं और बैठ जाएं ऐसे नाम लेते लेते और कल्याण हो जाएगा, ऐसे नहीं है. हमें यह तो श्रम, जैन परंपरा का नाम है श्रमण परंपरा, श्रम का कहीं भी छेद नहीं उड़ाया आनंदगंज जी महाराज ने. तो श्रमण परंपरा की भक्ति कैसी होगी, श्रमण परंपरा का समर्पण कैसा होगा, उसका यह उत्कृष्ट उदाहरण हमें इस स्तवन में दिया गया है. तो आ काम शुरू थयु इतले परम स्थिति प्राप्त थशे, आजे नहीं तो काले, आजे नहीं तो काले, आजे नहीं तो काले, थशे 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 थशे, अने आनंद नो रस हूँ पोषाय, એટલે એને એનું હું પાન કરીશ. આ અંતિમ અવસ્થા છે અને એ જ ખરું આત્મ અર્પણ છે. તો ભક્તિની ભાષામાં તત્વની વાત કરી એવું આપણે કહી શકીએ. ભક્તિ કી ભાષા તો ભક્તિ કી હૈ, ભગવાન કી ભક્તિ કરને જૈસે બેઠે હૈ, ભગવાન કે સામને બેઠે હૈ, સુમતિનાથ કે ગુણગાન ગા રહે હૈ, એસા નહીં હૈ. ભક્તિ કી ભાષા મેં તત્વ કી વાત કહી, ભક્તિ કી ભાષા મેં मार्ग की बात कही, ब्रह्म में रखने की एक भी बात नहीं कही है, क्योंकि ब्रह्म अपने पोसे नहीं. भक्ति ना मार्ग मा, धर्म ना मार्ग मा, साधक साधना ना मार्ग मा, ब्रह्म न पोसाय जेवू. एटले तो आपणे एम कही छे यथा तत् दर्शन, जेवू छे तेवू दर्शन करावी अने पछी साधना नी ऊंचाईओ ने प्राप्त करावी छे. तो भक्ति ने एमणे साधना नी ऊंचाई बक्षी छे. સાચું સમર્પણ કોને કહેવાય એનું રહસ્ય અહીંયા ખોલી આપ્યું છે. એટલે સુમતિની ભક્તિ કરતા કરતા, સુમતિ કી ભક્તિ કરતે કરતે અગર ઇતની મતિ હમને આ ગઈ તો માને ભયો ભયો, જો હુઆ વો સહી માને મેં હમને પ્રાપ્ત કર લિયા. તો દેખીએ આરંભ મેં સુમતિ ચરણ કજ આત્મ અર્પણા હે સુજ્ઞાની, તો સુમતિનાથ કે ચરણ મેં આત્મ કો અર્પણ કર, કિન કે પાસ, जो दर्पण जैसे अविकारी हैं, उनके उनके आगे अपने आप को समर्पित कर. तो समर्पित कर माने क्या, लोग जैसे समझते हैं उस प्रकार से, लोग बहुसम्मत जानिए मति तर्पण, वो मैं नहीं कह रहा हूं, परिसर्पण सुविचार, परिसर्पण सुविचार. हर एक सवन में दो तीन बातें, दो तीन शब्द एकदम साधना रिलेटेड शब्द आते हैं कि यही करना है, वॉट यू हैव टू डू, परिसर्पण परिसर्पण परिसर्पण. भगवान की स्थिति की ओर, भगवान की ओर नहीं, भगवान ने जिस स्थिति को प्राप्त कर लिया
उस स्थिति की ओर धीरे 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 आगे बढ़ते रहना है, ऐसा कहा। और फिर तीन अवस्थाएं बताई आगे की पंक्तियां में, उनकी व्याख्या की, किसे भैरात्म कहते हैं, वो अर्पण कैसे होगा। तो उससे पहले तीन अवस्थाएं जीव की, शरीरधारी आत्मा की बताई, भैरात्म, अंतरात्मा और परमात्मा। तुम ही तीनों अवस्था में हो और कैसे तुम्हें आगे जाते 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 इस परमात्मा अवस्था को प्राप्त करना है। बहिरात्म अवस्था किसे कहते हैं, शरीर को अपना माना, शरीर ही मैं हूं ऐसा माना तो बहिरात्म है, शरीर से भेद टल गया, शरीर और आत्मा का भेद हो गया तो वो अंतरात्मा है, और परमात्मा अवस्था की तो क्या बात करें। और वो तुझसे परे नहीं है, तू उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसकी शुरुआत कैसे होगी, तो बहिरात्म त्यजी दे, अंतरात्मा स्थिर थी जा, अने परमात्म स्वरूप नु करवानु आटलू छे। चौथी पांचवी जो गाथा है उसी में काम जो है, जो करना है वो तो इसी गाथा में आया। तो भाई करवो सु, व्हाट वी हैव टू डू, आटलू ज करवानु छे। अभी हमें सोचना है कि हम किस कंडीशन में है, हम किस अवस्था में है, उससे आगे जाना है। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, और ऐसे अगर हम करते रहे करते रहे करते रहे तो हम भी आनंद घन की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। मैंने कहा था कि अंत में अगर समय रहा तो साधकों की समर्पितता की बात 2-3 मिनट में मैं करना चाहूंगा, यहाँ 2-3 मिनट का समय है मेरे पास। तो बहुत सारी परंपराओं में भगवान को समर्पित होने की बात आती है, वो किस लिए आती है, अपने आप को अहम शून्य बनाने के लिए आती है। विनोबा जी के जीवन का एक बहुत अच्छा प्रसंग है, मुझे याद आता है। विनोबा जी की माँ रात को जब दही जमाती है तो वो दूध में छाछ का एक, छाछ में टीपू नाके बूंद उसकी डालती और तब राम का नाम लेती। तो विनोबा बोलते हैं कि अरे छाछ तो तू मेड़वे, એટલે दही तो तू मेड़वे छे, तो એમાં રામ બિચારો શું કરે, રામ નું નામ અહીંયા શું નામ લે છે, दही तो तू मेड़वे छे। तो विनोबा की माँ ने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि दही जमाने का मैं प्रयत्न कर सकती हूँ, लेकिन दही जमाते तो परमात्मा है, तो दही जमाने के लिए परमात्मा आएंगे, ऐसे बैठे नहीं है परमात्मा ऐसे काम के लिए। लेकिन ऐसा बोलने के लिए, बोलने से, छोटी से छोटी बात में अगर हम बोलते हैं कि जैसी प्रभु की इच्छा होगी वैसा होगा, तो हम अपने अहम को शून्य बना देते हैं। लेकिन साधक जो है वो ऐसा बोलकर भी परिश्रम करना छोड़ेगा नहीं। जो साधक है वो एक तरफ अपने आप को सौंप देगा भगवान को, और दूसरी तरफ परिश्रम करना शुरू रखेगा। ना? हम मुस्लिम लोग बोलते हैं इंशा अल्लाह, कोई हमें बोलते हैं, नील भाई बोलेंगे कि अगले गुरुवार को हम छठे सवन की बात करेंगे, तो हम बोलते हैं इंशा अल्लाह, अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो, अगर अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह तो एक नाम है, अगर परमात्मा ने चाहा, अगर कुदरत ने चाहा, अगर प्रकृति ने चाहा, तो ये होगा, हो न हो। लेकिन बात ये है, अगर मैं बोलूं कि हाँ हाँ अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोलूंगा आपको इतना समझा दूंगा कि आपने पहले कभी नहीं समझा होगा, तो वहां पे मेरा पतन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे समर्पितता वो साधना में विनम्रता लाती है, लेकिन उस वो अगर निष्क्रियता लाए तो वो समर्पितता, समर्पितता जोखमी, समर्पितता का बहसान है। आनंद गंज जी महाराज साधना की कितनी छोटी छोटी बातों को हमारे सामने रख कर साधना के लिए हमें अग्रसर करते हैं, और वहां आगे बढ़ते ही क्या बहसान आने वाला है उसकी बात बताकर हमें पहले से ही उसमें से उगार लेते हैं, पहले से ही हमें उसमें से बचा लेते हैं। तो यह गुरु कृत्य है, और कृपा कहें तो यह कृपा है कि हमें आगे जो आया खड्डा आने वाला है वो उसके, उससे हमें जागृत कर दिया। तो उठ जाग, ऐसा उन्होंने बोला तो है, जगाने का काम जैसे साधक कवियों ने किया है वैसे ही आनंद गंज जी महाराज ने किया है। तो यह पूरा जो स्तवन है वो समर्पण का स्तवन है। साधना में समर्पण आवश्यक चीज है, आवश्यक एक कर्म है, लेकिन वो कैसे किया जाए उसकी बात यहाँ आनंद गंज जी महाराज हमें बताते हैं। तो वो समर्पण कर हम अपनी यात्रा में अग्रसर होते रहें, इसी प्रार्थना के साथ हम इस
पांचवें स्तवन की चर्चा को, इसके स्वाध्याय को यहीं अधूरा छोड़ते हैं, क्योंकि कविता की बातें और ऐसे अनुभव सिद्ध कवियों की बातें कभी संपन्न नहीं होती। मैं तो अपनी मति के हिसाब से उसका अर्थ गठन कर सकता हूँ। तो फिर से आप सभी को, आप सभी में विराजमान परमात्म तत्व को, मेरे गुरु महाराज को, उन सभी को बारी बारी से प्रणाम कर यहाँ यह बात मैं अधूरी छोड़ता हूँ। प्रणाम, धन्यवाद, जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच रमजान भाई, बहुत ही सुंदर स्वाध्याय के लिए। और अगर आप अनुमति दो तो दो तीन प्रश्न हम ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, श्रोताओं में से कुछ प्रश्न है, और अगर किसी को प्रश्न है तो आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, आपके यहाँ सिंबल रहेगा, उसको श्रेया, प्रेस श्रेया करना है। जी ने, हाँ हाँ श्रेया जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम रमजान भाई, हाँ आपने जी, नमस्ते। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। मेरा लास्ट क्लास में जो आपने अभिनंदन स्वामी जी का स्तवन कराया था ना, जी उसमें एकलडी पगडंडी नो તમે મેન્શન કરેલું ગુરુ આપના ગુરુ મહારાજે બનાવેલું છે, તો જી મને આપના મુખે સાંભળવું તો, અથવા જો વેનેવર ઇફ પોસિબલ ઇફ યુ કેન શેર ધેટ પોયમ, શ્યોર શ્યોર, ખૂબ જ સરસ લાગ્યા એના શબ્દો। हाँ जी, मैं एकाध पंक्ति आपको सुना दूं, अगर इजाजत है तो। नील भाई, रजत यस प्लीज, रमजान भाई। हाँ जी, गुरु महाराज मेरे उपाध्याय भुवन चंद्र जी महाराज, वो भी ऐसे साधक जीव हैं, और उन्होंने साधक के लिए क्या आवश्यक है, साधना मार्ग के लिए, उसकी ये कविता, पूरी कविता बहुत अच्छी है। आई कैन शेयर द लिंक एज वेल, लेकिन अभी मैं यहाँ पे एक पंक्ति उसकी सुनाता हूँ। एकलनी पगदंडी, आ तो एकलनी पगदंडी, फूल नथी अही नथी पाटियों, ना लाल के लीली झंडी, एकलनी पगदंडी, आ तो एकलनी पगदंडी। देखिए यहाँ पे भी वही बात आई कि एकलनी पगदंडी, हमें जस डर जाते हैं, अरे पुल पर नहीं पाटी पर नहीं तो अपने डरी जाए तो करवू शू। तो साधक कवि आगे बताते हैं, पगला दूड़मा पूर्व पथिक ना, शोधी शोधी जाऊ, शोधी शोधी जाऊं, तेरे आगे बहुत सारे चले गए हैं, उनके पैरों के कदम के निशान छोड़ गए, निशान माने जिस मार्ग पे वो चले वो मार्ग तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं। तो पगला धुड़मा पूर्व पथिकना, शोधी शोधी जाऊं, और आगे की पंक्तियां तो क्या कही है साहब ने, पंथे पंथ, अरे पगले पगले पंथ खुले छे, नहीं अधीरा था वो। ऐसे अधीरे हो जाओगे तो काम नहीं होगा, जैसे जैसे चलते जाओगे वैसे वैसे मार्ग अपने आप खुलता जाएगा, रेत वनटोड़े क्यांक घेरावू, क्यांक लहर की ठंडी, एकलनी पगदंडी, दोनों कंडीशन आएगी, यहाँ क्या कभी आंधी में गिर जाना भी आएगा, और कभी शांत ठंडी लहर की, सुख पण आवशे दुख पण आवशे, न तो सुख मां ले पाई जवानू छे छकी जवानू छे, न दुख मां डरी जवानू छे, साधके तो चालता रहवानू छे चालता रहवानू छे। आगे की भी पंक्तियां बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है शायद, तो मैं इतना ही यहाँ पे बताऊंगा। जी रमजान भाई, आप मेरे साथ शेयर कर देना तो मैं यस यस श्योर चाहिए उन तक पहुंचा सकता हूँ। बाकी किसी को प्रश्न है तो आपको हैंड रेज करना है। यस, नमो जिनानम नाम के किसी पे है हमारे, आप पूछ सकते हैं। जिनानम खूब खूब अनुमोदना, तमे अटलो सेलाई थी, तम सरल भाषा में समझायो छे के हम यस थोड़ा थोड़ा समझ। थैंक यू वेरी मच। ओ थैंक्स अ लॉट। और किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो रमजान भाई हम इसी के साथ आज के इस सेशन को विराम देंगे, स्वाध्याय को विराम देंगे, और पुनः अगले हफ्ते गुरुवार को शाम 8 बजे हम मिलेंगे। एक शीला जी का प्रश्न आया है, शीला जी मैं आपका प्रश्न लेता हूँ। हाँ आप प्रश्न पूछ सकते हैं, शैला जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इमने अनम्यूट म्यूट करना होगा। हाँ
आपको अनम्यूट करना होगा। हाँ रमजान भाई, आप स्तवन गाव तो वधारे सारो में याद राखी शकिए। हाँ बेन, तुम्हारो इतले... आवाज सरस छे। हाँ जी हाँ जी, पण मने बधाना राग नथी आवडता ने, ए मुश्किली छे, એટલે તમે મને શીખવાડજો। आप आटली मेहनत करो छो तो हमारा माटे थोड़ुक गुरु महाराज पासे के। जरूर जरूर, हूँ कोशिश करीस, जरूर कोशिश। हाँ जी हाँ जी, धन्यवाद, आभार जी। थैंक यू सो मच। सो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे और पुनः गुरुवार को मिलेंगे छठे भगवान श्री पद्म प्रभ स्वामी की 24वीं में जो स्तवन है उसके स्वाध्याय के लिए। जगत के सभी जीव का कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल था, मंतु में मिट्टी में सब वह हुए सो, वैरम मज्जन के नहीं सर्वथा सौ सुखी था हो, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनी ने समता सौ समाचरो। प्रणाम रमजान भाई जी, सभी को प्रणाम।